गुणाला सेवाई लाता रोला दा गुणवाला जमा आई लाता जमा आई लाता गुणवाला जमा आई लाता रोला दा गुणवाला जमा आई लाता गुणवाला जमा आई लाता रोला दा गुणाला सेवा आई लाता अपला सोजर पेलता सेवा आई लाता अपला सोजर पेलता गुणवाना की बात करता हूँ या जब भी ये शब्द मेरे जहन में आता है तो कई सारे नाम मेरे जहन में आते हैं और उनमें डॉक्टर मोतीराम कंगाली, राम साहब, हीरा सिंह मरकाम हैं जिन्हें याद कर मैं खुद को रोमांचित महसूस करता हूँ। रोमांचित महसूस करने की एक वजह यह भी होती है क्योंकि इन लोगों ने एक को वो जो संस्कृति हमेशा से चली आ रही है जो कि मौखिक संस्कृति थी है उस संस्कृति का डॉक्यूमेंटेशन किया। खासतौर पर मैं याद करना चाहता हूँ मोतीराम कंगाली जी को, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन दे दिया, फिर चाहे वह सोनेर सिंह ताराम हो जिन्होंने मतलब अधिकारी की नौकरी छोड़ दी अपनी संस्कृति के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपनी भाषा के लिए, हमेशा इसी प्रयास में लग रहे हैं कि कैसे उनकी भाषा आगे बढ़े, लोग उनके साथ जुड़े। तो आज का जो मेरा नाटक है, सबसे पहले तो मैं सुनहर सिंह ताराम जी को याद करना चाहता हूँ आज आप लोगों के साथ, फिर मैं गोंडवाना संस्कृति को लेकर, गोंड भाषा को लेकर, कोया पुनिम दर्शन को लेकर, पारिक उपारलिंगों को लेकर कितनी सारी बातें हैं कहने को। फिर जो भाषा की जो संस्कृति है उस संस्कृति के बारे में भी बात करने की इच्छा है आप लोगों से। मैं आपसे ये भी बात करना चाहता हूँ कि कैसे ये जो कैतूरों की संस्कृति है किस तरह से विस्तृत है। आप महाराष्ट्र में हैं, आप छत्तीसगढ़ में होंगे, आप मध्य प्रदेश में होंगे, आप बिहार में होंगे, आप समानताएं हैं, कितने सारे ऐसे तत्व हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो मेरे आज के वक्तव्य का एक अंश होगा कि कैसे हम एक दूसरे को जोड़ते हैं, वो परंपरा के बारे में भी हम बात करेंगे आपसे। इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूं पत्रकारिता की, जो कि मेरा मूल पेशा है। अभी पत्रकारिता आदिवासी हैं इस देश के, उनके साथ जो घटनाएं घटती होती हैं एक तरह से अछूत, चाहे वो रायपुर में, चाहे फिर वो पलामू के तेलंगाना के किसी इलाके में हो, बहुत सारी खबरें छूट जाती हैं, वो खबरें पहुंच ही नहीं पाती। तो मेरा तवज्जो होगा, मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं पत्रकारिता के संदर्भ में भी आपसे बात करूं और फिर आप लोगों के साथ अपने अनुभवों को भी साझा करूं। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले याद करना चाहता हूं अपने मित्र को, मेरे मित्र लोकेश शोरी। आप में से कई लोग जानते होंगे लोकेश शोरी को, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूं। लोकेश शोरी इतिहास पुरुष हुए, केशोरी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के, वो 2000 समय था जब एक छोटे रायपुर से मेरे साथी तामेश्वर ने मुझे दी पखांजू मामला दर्ज कराया गया है।
मामला दर्ज कराया गया है कि किस तरीके से जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो किस तरीके से अपना धर्म वहाँ के आदिवासियों पर थोप रहे हैं, और उसके खिलाफ लोकेश सोरी ने एक मामला दर्ज कराया है। मामला दुर्गा पूजा संबंधित था। ये भारत के इतिहास का पहला मौका था जब दुर्गा पूजा के उपासकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। जैसे ही ये खबर हमारे पास आई, मैं उस वक्त में था, हम लोग उछल पड़े थे। एक वहां था, वो कोई सोच सकता है कि इस भारत में कोई मामला दर्ज होगा या दर्ज कराने की हिम्मत करेगा, लेकिन यह हुआ। यह हुआ क्योंकि लोकेश सोरी ने हिम्मत की। लोकेश सोरी मानते थे कि चाहे रावण हो, चाहे वो महिषासुर हो, वो पुरखे हैं, और उन्होंने अपना मामला दर्ज कराया। हालांकि जो परिणाम होना था वो परिणाम उनके पक्ष में नहीं गया। ठीक दूसरे दिन जो है उनके खिलाफ एक काउंटर FIR कराया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। होते हैं जो लड़ने वाले लोग होते हैं, जो लड़ाके होते हैं, सारी बातें मायने नहीं रखती। लोकेश्वरी बाहर आए, अदालत उनको जेल में नहीं रख सकी। जब वो लौट कर तब उनके अनुभवों के बारे में और वो क्या चाहते हैं, एक लंबा इंटरव्यू तमेश्वर जी ने किया। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वो कांकेर गए, कांकेर जाकर उन्होंने वो इंटरव्यू किया। वाकई वो एक दिलचस्प इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में मैंने पहली बार देखा लोकेश सोरी को। कोई आदमी इतना साहसी है जिसने ये काम किया, सदियों से चली आई परंपराओं को चुनौती दी। तो लोकेश सोरी के साथ मेरी वो पहली मुलाकात थी, वो ऑनलाइन मुलाकात। फिर बाद में जानकारी मिली कि उन्हें मैक्सिलरी कैंसर हो गया, क्योंकि पहले साइनस के फॉर्म में आया, फिर मैक्सिलरी कैंसर हुआ। और 11 जुलाई उनकी पुण्यतिथि है, उनकी मैं उसको पुण्यतिथि ही मानता हूँ, या फिर कहिए वो उनकी जिस दिन उनका निधन हुआ 2019 में, 11 जुलाई 2019, या खो दिया आदुर मित्र। मैं लोकेश को आज आप लोगों के साथ बातचीत करते हुए मैं उनको याद कर रहा हूं, दिल से याद। एक शानदार बहुत साहसी आदमी जिसने मरते मरते तक ये ठान लड़ेंगे। खैर, चाहता हूं काम के बारे में। 2000 में हुई, तब एक कार्यक्रम चल रहा था वहां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में, और वो कार्यक्रम था गोंड भाषा के मानकीकरण का। कार्यक्रम में मेरी मुलाकात उषा किरण आत्राम मैम से हुई, फिर वहीं मेरी मुलाकात सुनहर सिंह तराम जी से भी हुई। एक बहुत दिलचस्प मुलाकात थी वो। ये एक ऐसा लम्हा था जब मैं एक ऐसे उन लोगों के बीच था जिनकी भाषा से मेरा बहुत ज्यादा परिचय नहीं था। इसके पहले लेखों के माध्यम से मैं गोंड शब्दों को मेरी मदद करती थी डॉक्टर चंद्रलेखा कंगाली, मैं आपको भी याद कर रहा हूं मैम, आपने मुझे बहुत प्यार किया है और मेरा हौसला बढ़ाया है हर बार। चंद्रलेखा मैम से गोंड शब्दों के बारे में जानकारी मिलती, जब कभी कंफ्यूजन होता तो उन्हें याद करता, और वो मेरी बात
सुनती हैं, प्यार से सुनती हैं, फिर उन्हें समझाती हैं। मैं याद करना चाहता हूँ अपने मित्र डॉक्टर सूर्या बाली को। डॉक्टर सूर्या बाली मेरे अच्छे दोस्त हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जब कभी भी मैं फंसता हूँ गुंड शब्दों को लेकर के, तो मैं उन्हें परेशान करता हूँ। फिर हमारे मित्र संजय जोठे मेरे अग्रज मित्र तो सूर्या बाली भी हैं, मुझसे बड़े हैं, लेकिन हमेशा उनका साथ मिलता रहा। तो दोस्तों, मैं याद करना चाहता हूं सबसे पहले सुनहर सिंह तराम जी को। सुनहर सिंह तराम जी के बारे में कुछ और बातें करूं, नहीं उससे पहले मैं एक दिलचस्प वाक्या बताना चाहता हूं। वह दिल्ली में हमारी दूसरी मुलाकात थी, मतलब पहले दिन जो मुलाकात हुई उसके ठीक दूसरे दिन मुलाकात हुई, और मैंने एक इंटरव्यू भी उनके साथ। उस दिन उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली में गोंड पेन स्थल है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन सा पेन स्थल है यहाँ दिल्ली में? तो उन्होंने कहा, हाँ यहाँ एक पेन स्थल है, ये हमारा शक्ति, हमारे हिंदी के साथी हैं, उनके लिए मैं अपने हूँ, हालांकि मैं बहुत एक्यूरेट हूँ, हो सकता ये मैं इसका मैं सकता। जैसे कोइतूर हैं, कोइतूर मतलब प्राचीन आदमी इस रहने वाले जो पहले लोग थे उनके वंशज, उनके वंशज हम भी हैं, उनके वंशज सब कोई हैं, मतलब हम जितने भी जो मूल निवासी लोग हैं, जो इस धरती पर रहने वाले लोग हैं, हम कोइतूर हैं। हमें इस शब्द को एक बड़े समुच्चय के रूप में देखने की आवश्यकता है। तो हुआ यह कि सुनहर सिंह तराम जी ने कहा कि दिल्ली में गोंडों का एक पेन स्थल है। तो मैंने पूछा, कौन सा है, क्या है, कहाँ है? उन्होंने कहा, आपने करकरडूमा का नाम सुना है? हमने कहा, जी करकरडूमा जानता हूँ, करकरडूमा एक मेट्रो स्टेशन है वहां से। तो उन्होंने कहा, वहां कोर्ट भी है। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी वहीं से होके आ रहा हूँ, तीन चार लोग थे, मुझे सुनहर सिंह तराम की वो बात याद है, करकरडूमा, करकर जैसे बिजली कड़कती है, मतलब एक ऐसा पेन जो एक ऐसे पुरखा जो हमारे लिए बारिश लाते हैं, उनका स्थल है करकरडूमा। यह जानकर मुझे बहुत रोमांच हुआ, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि आखिर इस करकरडूमा का मतलब क्या है। यहां से हमारी बातचीत शुरू सुनहर सिंह तराम की। और जब हम सुनहर सिंह तराम की बात करते हैं तो वाकई हमारे सामने एक शानदार शख्सियत उभर कर आते हैं। दुर्भाग्यवश 7 नवंबर 2018 तराम जी का निधन हो गया। मैंने बड़ी इच्छा थी, मैं ये चाहता था कि एक लंबा इंटरव्यू सुनहर सिंह तराम जी के साथ करूं, उनकी पत्रकारिता को लेकर, उनके जो उन्होंने खोज की, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा कि जो खोजी पत्रकारिता है वो सिर्फ क्राइम जर्नलिज्म तक नहीं होता, का मतलब एक बड़े फलक का विस्तार भी है। जो बातें अनकही हैं उन कही गई बातों को कोशिश भी, मैं सुनहर सिंह एक खोजी पत्रकार मानता हूं। सुनहर सिंह तराम जी के निधन से मेरे मन की एक इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई, इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। लेकिन जब भी मैं गोंड भाषा के बारे में सोचता हूं, गोंडवाना के बारे में सोचता हूं, तो मुझे वो एक पुरुष के रूप में नजर आते हैं, एक ऐसे रिसोर्स पर्सन के रूप में जिनके पास, आप गोंड भाषा के किसी भी शब्द को लेकर के आप देखें, तराम के पास उसके जवाब थे। गोंडवाना की अति प्राचीन भाषा, साहित्य, संस्कृति और इतिहास पर खोज करने वाले तराम जी एक असामान्य विद्वान थे। ग्रंथों से और कागज कलम से इनकी दोस्ती ऐसी थी कि एक दिन भी इनके बगैर रह नहीं सकते थे। जीते हुए नहीं देखा वो अपना जीवन कैसे जीते थे, लेकिन उनकी जो लिखनी है, उनकी लिखने की जो गति रहती थी, मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ कि वो एक दिन भी बिना लिखे रह नहीं पाते होंगे। कोई आदमी अपने जीवन में इतना सृजन तभी कर सकता है, सोचता रहे। सबसे ज्यादा तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि
किताबों के प्रति जो उनका प्रेम था, उनके अंदर दो तरह की चीजें थी, एक तो गोंडवानी जो गोंड भाषा है, गोंडवाना संस्कृति है, इन सबको एक साथ कैसे शामिल किया जाए, लोगों के बीच लाया जाए, उनके बीच जो गोंड भाषा जानते हैं उनके बीच, और दूसरा उन चीजों को उन लोगों के पास लेकर कैसे लाया जाए भाषा नहीं जानते। अब संभवतः यही वजह रही कि उन्होंने गोंडवाना दर्शन पत्रिका की शुरुआत की। यह पत्रिका हिंदी में वो वहां से चीजों को लाते लिखते, फिर उसको जो सब लोगों के लिए प्रस्तुत करते, और 32 साल तक उन्होंने इसका प्रकाशन किया लगातार। अभी हाल ही में मेरी बात हो रही थी उषा किरण मैम से, तो उन्होंने कहा कि वो फिर से गोंडवाना फिर से उसका प्रकाशन शुरू करने वाली हैं। मैं उन्हें दिल से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस काम को आगे बढ़ाएं, जो काम सुरेंद्र सिंह तराम जी ने शुरू किया था उस काम को आगे बढ़ाया जाना बहुत, क्योंकि एक माध्यम है। जैसे कि मेरे जैसा इंसान, मैं पटना का रहने वाला हूं, बिहार की राजधानी पटना, दिल्ली मेरी कर्मस्थली है, मैं वहां रहता हूं, और वहां से मेरी रुचि के पीछे सुनील सिंह, डॉक्टर मोतीरावन कंगाली, हीरा सिंह मरकाम, सूर्यावाली, आप इन सब लोगों की भूमिका है, तामेश्वर की भी भूमिका है। मैं सुनहर सिंह तरान को इसलिए भी याद करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी। देखिए, आप समाज के लिए तभी कुछ कर सकते हैं जब आपके अंदर ये जज्बा हो कि आप कुछ त्याग कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ करना है और हम कुछ त्याग ना करें। सुनहर सिंह चाहते तो अधिकारी के रूप में अपना जीवन बड़े आराम से जी सकते थे। वो यूं यायावर की तरह वो कभी कचारगढ़, कभी नागपुर, कभी रायपुर, कभी कहीं, कभी कहीं, इधर उधर की का जीवन नहीं जीते, बड़े आराम से जी सकते थे। लेकिन वो हमेशा अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी भाषा को महत्वपूर्ण मानते थे। यदि वो आज होते, उनके सामने मन में कई सारे ख्याल आते हैं। तो दोस्तों, सुनहर सिंह ताराम जी अब नहीं हैं, लेकिन उनकी दिली इच्छा यही रही होगी कि यह कारवां आगे बढ़े। गोंड संस्कृति को लेकर जो अभियान शुरू किया था, हमेशा चाहते थे कि वो इस बात को लेकर के काम चलता रहे, लोग बातें करते रहें, लोग लिखते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि इसी से जागरूकता जुड़ी हुई है। मैं बात कहना चाहता हूं वो है संस्कृति को लेकर के जो मेरी उस समझ के प्रति बात कहां से शुरू हुई, मतलब मेरी दिलचस्पी कैसे हुई। ये 2012 का दिन, 2012 का समय था वो, जब मैं फॉरवर्ड प्रेस से पहली बार जुड़ा उप संपादक के रूप में। और उस वक्त हम लोग काम कर रहे थे पर, तब मेरी समझ में बहुत सारी बातें नहीं आती थी। ठीक है, जैसे कोई एक कम्युनिटी है, कहीं झारखंड की कोई कम्युनिटी है, वहाँ से कोई खबर आई तो हम लोग खबर के रूप में उसको प्रस्तुत करते, लेकिन उनकी संस्कृति, उनके रहन सहन को लेकर के कई सारी चीज़ें ऐसी थी। अचानक एक दिन खबर मिली, खबर नहीं, किसी ने जानकारी दी मुझे, सारी भाषा के कगार पर हैं, उनमें एक भाषा असली भाषा भी। तो एक हमारे यहाँ झारखंड में एक कवयित्री हैं सुर, उनकी कविताएं हम लोगों ने प्रकाशित की, उन्होंने अपनी कविता आसुरी भाषा में लिखी और फिर उसका हम लोगों ने हिंदी में अनुवाद छापा। वहां से मेरी दिलचस्पी, अरे इतनी सुंदर भाषा, इतने सुंदर बिंब हैं इन कविताओं में, तारे हैं,
जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, कितनी सारी चीजें हैं, उनकी अभिव्यक्ति जितनी सुंदर रूप में आदिवासी कविताओं में होती है, मुख्य धारा के साहित्य में उस तरह की अभिव्यक्ति नहीं होती। वहां से मेरी दिलचस्पी शुरू हुई आदिवासी भाषाओं को लेकर। फिर 2016 में गुमला गया, झारखंड के गुमला गया, नेत्रहाट के इलाके में, जहां असुर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वहां मेरी मुलाकात अनिल असुर से हुई, सुषमा असुर के परिजनों से हुई, वहां उन गांवों से मेरा परिचय हुआ, जैसे अंतिपानी, बहुत सारे ऐसे गांव। तो वहां से बात समझ में आई कि जो संस्कृति है, उस संस्कृति में कॉमन चीजें क्या हैं। जब मैंने चीजों को समझ की तो मैंने पाया कि जो संस्कृति, जो परंपराएं झारखंड के गुमला जिले के असुर आदिवासियों में हैं, वही कुछ उसी तरह की परंपराएं संथालों में भी हैं, मुंडाओं में भी हैं, फिर हमारे अपने बिहार में उसी तरह की संस्कृति है। खास करके जैसे शादी की ही बात कर लें, शादी के जो रस्म और नेग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक नेग है मिट्टी कोरने की, मतलब मंडप जिस दिन शादी के एक दिन पहले हमारे यहाँ लड़का और लड़की के पक्ष के लोग जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो मिट्टी कोरने। जब मैं झारखंड के असुरों से बात कर रहा था, असुर समाज के लोगों से बात कर रहा था, परंपरा है और वहां उस मिट्टी की खुदाई की जाती है जहां पर चींटियां रहती हैं, क्योंकि चींटियों के कारण जो मिट्टी बाहर आती है वो बहुत उर्वरा मानी जाती है। फिर यही परंपरा हमारे यहाँ भी, मिट्टी कोरना, फिर मिट्टी पर ही उसी मिट्टी पर कलश की स्थापना करना, कुछ इसी तरह की परंपराएं मैंने देश के अन्य हिस्सों में भी देखी। यहाँ से मेरी एक समझ बनी कि ये जो सांस्कृतिक रस्म और रिवाज हैं वो कैसे जो जगहों पर लोग हैं उनको जोड़ती हैं। गुण को लेकर के मेरी दिलचस्पी बढ़ी। एक महत्वपूर्ण पर लिंगों पर एक लेख किया, उनके जत्रा पर लेख किया वो लेख। उसके पहले मैं पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि मुझे कई सारे शब्द मुझे नहीं पता थे। जात्रा का मतलब क्या होता है, पेन का मतलब क्या होता है, पारी का मतलब क्या है, कुपार का मतलब क्या है, लिंगों का मतलब क्या है, ये जंगो माई कौन है, जानकारी नहीं थी। जब मेरे सामने वो लेख आया तब मैंने डॉक्टर चंद्रलेखा कंगाली से मदद ली, फिर सूर्या बाली भाई से मदद ली, और तब मैंने नहीं, कोई आडंबर नहीं, लोग मतलब लिंगो पारी को पर लिंगो, तो जैसे वो आप देखें इसको कि हमारे यहाँ का कहने का मतलब जो ये है कि जो हमारी संस्कृति है जिसको दिया गया है, जो बनाने वाला बताया गया है, सारी चीजों की कसरे मनुष्य करके शिक्षा, ज्ञान, संगीत, सब कुछ की जो का जो श्रेय है वो ब्रह्मा को जाता है। लेकिन ठीक इसके अपोजिट यदि आप गोंडवाना में जाएंगे, पर्सन मिलेंगे जो एक पुरखा मिलेंगे, उनका नाम क्या है, पारी कुपार लिंगो। म्यूजिशियन भी वही, सभ्यता के सभ्यता को जन्म देने वाले वही, मतलब एक अलग तरह का बिंब वहां पर आपको दिखता है। फिर वो जंगो स्त्री और पुरुष के बीच का जो संबंध है, उस संबंध भी आपको वहां से आपको समझने में मिलेगी किस तरीके से आदिवासी संस्कृति और गोंड संस्कृति में बातें कही गई हैं। जब हम लोग पारी कुपार लिंगो के बाद हम लोगों ने कई स्टोरी छापी,
मकसद यही होता था कि हर स्टोरी में जो गोंड शब्द हैं उन शब्दों को वैसे के वैसे रखें और उसका हिंदी रूपांतरण हम अपने लेखों में प्रकाशित करें। फॉरवर्ड प्रेस में हम लोगों ने एक कोशिश की, लेकिन जितनी कोशिशें हमने की ज्यादा फायदा गोंड शब्द थी उस समझ में बढ़ोतरी हुई। दोस्तों किसी भी भाषा और किसी संस्कृति को समझ कि आप उसको अपना माने, उसको अपना मानने के लिए जरूरी है कि आप उसकी परंपराओं को समझें, तभी आप किसी संस्कृति या किसी परंपरा। जब मैं गोंड भाषा समझने की कोशिश, ये जो सूत्र हैं, एकता के जो सूत्र हैं, जो कॉमन पॉइंट्स हैं, उन कॉमन पॉइंट्स पर मेरी निगाह गई और मैंने ये पाया कि चाहे हम बिहार के हिस्से में रह रहे हों या फिर हम झारखंड के हों या फिर हम तेलंगाना के हों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे हमारे यहाँ ही देखिए, हमारे यहाँ पुरखों की पूजा होती है बिहार में, जैसे बख्तौर बाबा कहते हैं हम लोग, कोई देवता नहीं है वो हमारे पुरखा हैं। हमारे यहाँ ये शब्द है मनुष्य देवा की, मतलब ये माना जाता है कि हमारे परिवार में कोई असमय मर जाए बीच रहता है वो। फिर हमारे यहाँ एक परंपरा और भी है देने की, हम उनको याद करते हैं, बहुत श्रद्धा से याद करते हैं। पहले हमारे मेरे घर में ये परंपरा थी कि उन्हें छाप दिया जाता था, जैसे उसमें शराब का छाप, शराब चढ़ाया जाता था। ये परंपराएं आदिवासी परंपराओं में भी हैं, अब कॉमन है। तो कुल मिलाकर के आपको देखना पड़ेगा कि जो गोंड संस्कृति है, जो पूर्वजों की जो परंपरा है, उस परंपरा में और शेष भारत की जो परंपराएं हैं उनमें समानताएं हैं। करता हूं कि चाहे वो तेलंगाना के लोग हों, चाहे मध्य प्रदेश के लोग हों आदिवासी हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ के आदिवासी हों, बिहार के हम जैसे लोग हैं, झारखंड के आदिवासी हैं, एक ये यदि इतने बड़े इन तीन चार पांच राज्यों में, छह राज्यों में यदि लोग ये जान लें कि उनके बीच सांस्कृतिक एकता के सूत्र हैं, तो संभव है कि एक बड़ी ताकत बनाई जा सकती है, लड़ाई जीती जा सकती है। जैसे तो उसमें एक कारण जो है, एक जो लड़ाई है वो, अब जब कभी हम आदिवासी की बात करते हैं तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि अरे भाई हम किस बात कर रहे हैं। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूं, आप कोई भी अखबार दिल्ली में जो प्रकाशित अखबार है उनका हवाला ही देता हूं। आप यदि 12 पन्ने का अखबार है, 12 पन्ने के अखबार में आदिवासियों के लिए से तो एक खबर छपती होगी औसतन, वो भी ऐसी खबर जो दूर किसी इलाके में आई होगी और वहां से वो उसका कोई नेशनल महत्व होगा, वहां की संस्कृति के बारे में दिल्ली के अखबारों में प्रकाशित नहीं होता। हो सकता है कि जो स्थानीय रायपुर में जो अखबार प्रकाशित हो तो वहां पर उन संस्कृतियों के बारे में कुछ छापी जाती हो, कि ये जो मेन स्ट्रीम के अखबार हैं उन अखबारों में गोंड संस्कृति और उनके सवालों को लेकर उठाए जाते हैं, तो ये वाकई सराहना करने योग्य है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो चीजें वहां हैं उन चीजों का विस्तार अन्य प्रदेशों में भी हो, लोग जाने कि एक खास भूभाग में रहने वाले लोग कैसे अपना जीवन जीते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी परंपराएं क्या हैं। और फिर इसी का नाम पत्रकारिता है। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी नेता का बयान छापते हैं। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं होता कि कोई घटना घटी उसके बारे में कोई खबर छापते हैं। पत्रकारिता का एक मतलब ये भी होता है कि जो चीजें अनकही हैं, जो नहीं मेरी पत्रकारिता में इसका महत्व है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो बातें नहीं कही जा रही हैं उनको कहा जाए। और इसलिए सुनहर सिंह ताराम ने किया
सुनहर सिंह तराम ने खोजी पत्रकारिता की, वो हर चीज़ को खोजते थे, जैसे उनके दिमाग में कुछ बातें चलती रहती होंगी, जो वो मौखिक उनको मिलता होगा उसको वो तलाशी में, उनकी चार घर का किला है मैंने वो पढ़ा, आप देखें उसमें किस तरीके से वो और वहां से जा कर करके अपनी अपने अनुभव बताते हैं। इतिहास ऐसे ही लिखा जाता है, इतिहास दो तरह का होता है, एक तो एकेडमिक्स एकेडमिया में लिखी जाती है, लोग क्या करते हैं फलाने इतिहासकार ने ये कहा फलाने इतिहासकार ने ये कहा उसके बाद वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, एक होता है मौखिक इतिहास। सुनहर राम जी ने जो बंगाली जी ने जो किया वो सब मौखिक इतिहास है, उसको डॉक्यूमेंट किया। अब कम से कम हम ये कह सकते हैं कि गोंड संस्कृति और उसका एक अपना इतिहास है, उसका अपना मोतीराम कंगाली जी की जो भूमिका है वो तो अद्वितीय है, उन्होंने उसके व्याकरण की रचना की, उन लिपियों को समझने की कोशिश की, जाहिर सी बात ये इस पर एक व्यापक कार्यक्रम होना चलाना चाहिए भारत सरकार को, जो सामने लेकर के आए। मुझे बहुत खुशी हुई जब गोंड भाषा के मानकीकरण के प्रयास किए जा रहे थे, मुझे लगा कि इस भाषा को भारत सरकार जो है वो मान्यता देगी, कम से कम आठवीं सूची में उसको मान्यता दे, और एक तरह से ये जरूरी भी है क्योंकि गोंडवाना जो प्रदेश है वो कोई एक सिर्फ महाराष्ट्र के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं है या छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। आप देखें तेलंगाना में आपको गोंड समुदाय मिल जाएंगे, फिर आप प्रदेश में लोग मिल जाएंगे, हमारे बिहार में गोंड संस्कृति गोंड समुदाय के लोग हैं, उत्तर प्रदेश में भी गोंड समुदाय के लोग हैं, झारखंड में तो खैर हैं ही, जहां इतने राज्यों तक लोग विस्तृत हैं, लोग रहते हैं, उनके बीच जो है वो भाषा को लेकर के एकता बनाई जा सकती है। मैं बार बार एकता शब्द की बात कर रहा हूं तो उसके पीछे राजनीतिक एकता भी है। अभी होता क्या है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के किसी इलाके में कोई घटना घट गई, भाषाई एकता नहीं तो बात वहां से आगे नहीं पहुंचेगी या फिर उसका जो असर होना चाहिए वो नहीं होगा। मैं पिछले साल की घटना को याद कर रहा हूं, जब एक गांव के नौ युवक ने खुदकुशी कर ली, ये दशहरा के मौके पर उसने खुदकुशी की। जब मेरे पास ये खबर आई तो मैंने पाया कि ये एक तरह की एक आंदोलन का एक दौर है, यहाँ के युवाओं में छटपटाहट है, वो चाहते हैं कि लोग उनकी संस्कृति के बारे में जानें, जिनको लोग मानने से इनकार कर रहे हैं। मैं जब उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो अपने आप को हिंदू धर्म का झंडा बरदार मानते हैं, ध्वज वाहक मानते हैं, सबसे पहले तो इस बात को बिल्कुल खारिज किया चाहिए। आदिवासियत एक बड़ी पहचान है, शाब्दिक तौर पर मैं बिहार के पिछड़े वर्ग से आता हूँ, लेकिन मेरी परंपराएं मुझे आदिवासी समाज के साथ जोड़ती हैं, कोयतूरों के साथ जोड़ती हैं, मेरे घर में वैसे आपके यहाँ होंगी, कहीं अंतर नहीं है। ये अंतर स्थापित करने वाला कौन है, ये करने वाले सत्ता पर अपना कब्जा, इन्हीं वर्चस्ववादियों को मात देने का काम सुनहर सिंह तराम ने किसी भी भाषा को लेकर के, यदि आप कोई बात कहना चाहते हैं, लोगों के बीच लेकर जाना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो मोनोपोली है उस मोनोपोली को जो हिंदी एक वर्चस्वकारी भाषा है, हिंदी के जरिए जो है वर्चस्व स्थापित किया जाता है, लेकिन चूंकि जिस तरह के हालात हैं देश में, हिंदी एक कॉमन भाषा हो गई है, वो बात करना चाहते हैं उसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो अपनी भाषाएं हैं, जैसे मेरे यहाँ मगही को लेकर के मेरी उतनी ही बेचैनी है जितनी की गोंड संस्कृति को लेकर, गोंड भाषा को लेकर।
अपनी संस्कृति को बचाना होगा, अपने परंपराओं को बचाना होगा। हम क्या हैं, हमारी अपनी पहचान क्या होगी, हम कहां से अपने लोगों को कनेक्ट कर सकेंगे, कैसे लोगों को बता सकेंगे देखो हमारे साथ ये हुआ है। अभी नियमगिरी पहाड़ पर जो आंदोलन चल रहा है वेदांता के खिलाफ, उनके आंदोलनकारियों के में आया, कई सारे शब्द ऐसे थे जिनको मैं नहीं जानता था, लेकिन जब गोंड संस्कृति और गोंड भाषा को लेकर मेरी समझ बढ़ी तो मैंने पाया कि उसमें से उससे मुझे बहुत मदद मिली उनकी समस्याओं को जानने में। वो जो कहना चाहते हैं वो कह पाए क्योंकि मैं उनकी भाषा को कुछ समझ पा रहा था। ये तो उड़ीसा की बात है। इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं आपके अंदर यदि आप किसी भाषा को जानने या समझने की कोशिश करें। मैं तो मेरे मन में ये विचार यह भी है शायद मोतीराम कि जो गोंड आमंत्रण करके लोगों के बीच लाया जाए, मैं चाहता हूं कि एक बजाता पेज शुरू किया जाए जहां पर गोंड संस्कृति के शब्दों का वहां पर विश्लेषण के साथ दिया जाए। जैसे कोई आपको नेम दर्शन, कोया की बात करें, कोई आपको नेम दर्शन लंबा लेख हो, उसके क्या क्या मायने हैं, वो सारी जानकारियां वहां पर उपलब्ध हों, फिर उनका डॉक्यूमेंटेशन भी किताब के रूप में हो। बहुत सारा काम हुआ है, सुनैर सिंह तराम ने किया है, डॉक्टर मोटावन कंगाली कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो सिलसिला है, सिलसिला को आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसको रोके जाने की जरूरत नहीं है। मैं बात करना चाहता हूं पत्रकारिता की फिर से एक बार। पत्रकारिता, एक पत्रकार के रूप में मुझे लगता है कि मुझे उन सारे खबरों से प्यार है जो सुदूर इलाकों से आते हैं, क्योंकि उन खबरों मौलिकता होती है, एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वहां से आता है। और वहां से जैसे अभी कल ही की बात है, कल हम लोगों ने खबर प्रकाशित की, छत्तीसगढ़ से वो खबर आई थी कि छत्तीसगढ़ प्रशासन ने ये फैसला लिया है, ये समुदाय के लोग हैं उनकी शादी जो है वो उनके अपनी परंपरा के हिसाब से हो, उसका जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है उसके तहत जो फॉर्म, उसमें हिंदू सब इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। ये खबर मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं चाहता हूं कि लोग जो है इन खबरों के बारे में बात करें, कितनी समस्याएं हैं। एक चीज मैंने और गौर किया है कि कई बार लिखने की समस्या हो जाती है। जो गोंड भाषा के जानकार हैं, मैं उन सबसे अपील करता हूं कि आप अपनी बात कहें, उन शब्दों का मतलब बताएं, गोंड भाषा को अपने तक सीमित ना रखें, उसके शब्दों को अपने तक, बहुत समृद्ध भाषा है और मुझे लगता है कि सबको जानने का हक है इन शब्दों के बारे में, पारिक उपार लिंगों के बारे में, जंगों के बारे में। ऐसी मान्यताएं हैं, हम जान ही नहीं पाते। जैसे हमारे यहां एक ढेलावा बाबा का कॉन्सेप्ट है, लोग क्या करते हैं गांव के बाहर में उसको गांव का रक्षक माना जाता है। एक देवता हमारे यहां गौरैया पेन है, हमारे पुरखे हैं। बहुत कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये अपनी मैं इसको खत्म करना चाहता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप भाषाई एकता कैसे हो, सांस्कृतिक एकता कैसे बने, ताकि हम इस समाज के जो बहुसंख्यक हैं वो एक हो सकें सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, क्योंकि लोकतंत्र है देश में, लोकतंत्र में संख्या का महत्व है। जितनी हमारी संख्या है उसके हिसाब से हमारी एकता नहीं है, इस कारण से हम सत्ता से
जब मैं सत्ता से दूर होने की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई हमारे समाज का कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए। सत्ता का जब प्रयोग मैं करता हूँ तो मतलब यह है जब उसका सरोकार हमारे ऊपर, हमारे सरोकार से, हमारे सरकारों सरोकारों को अपना मानता हो, जिसके लिए हमारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। इस तरह की व्यवस्था तभी मुमकिन है जब हम एक होंगे, चाहे वो तेलंगाना के चाहे वो आदिवासी हों, चाहे झारखंड के आदिवासी हों, चाहे वो झारखंड के आदिवासी हों, चाहे उड़ीसा के लोग हों, आपको एक होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो कोयतूर संस्कृति है वो एक इतनी बड़ी छतरी है जिसमें सब लोग शामिल हो सकते हैं। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ कहना चाहता था, खास करके मैं लोकेश्वरी को नहीं भूल पा रहा हूँ। लोकेश्वरी ने जो किया है, बहुत सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, आप सब अपनी बातों को रखें, बहुत जरूरी है। और मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप अपनी बातों को लिखें और भेजें। जरूरी नहीं है कि उसमें शब्द क्या होंगे, आप अपने शब्दों को रखें, शब्दों को लाएं, दूसरे जो शब्दों को भी स्वीकार करें। जैसे जब गोंड भाषा के मानकीकरण की बात चल रही थी, तभी मेरे संज्ञान में ये बात आई कि अलग अलग इलाकों में गोंड भाषा के, फिर उनको मिलाकर के एक समुच्चय बनाने की कोशिश, तो क्या इस तरह के कुछ ऐसे प्रयास नहीं किया जा सकते कि जो हिंदी में शब्द हैं गोंड में भी हैं, उनको सामने लाया जाए। जैसे आंचलिक भाषाओं की बात मैं कर रहा हूँ, जो आंचलिक शब्द हैं हमारे यहाँ, हल है, छैंटी है, झामा है, जाता है, कितने सारे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का एक हम शब्दों को लेकर के लोगों के बीच जा सकते हैं। परंपराएं तो खैर हैं ही। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, शुक्रिया। Yo.